राम। देखो ठाकुर जी कैसे अद्भुत लीला है, एक व्यक्ति से ही ये दो वंश चले और ये दो वंश से हमारी जो हिंदुओं का सनातन धर्म में जो दो प्रभु आए, एक भगवान राम। बताओ दुखी दवा क्या है, बोले भगवान का जो नाम, भगवान की जो कथा, ये सबसे मीठी दवा ठाकुर की कथा है। बोले जिस समय कंस देवता लोगों ने, दैत्य लोगों ने इतने अत्याचार पृथ्वी के ऊपर में किए, अत्याचार से दुखी होकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी को पास में, ब्रह्मा जी भोले बाबा को लेकर के, पहले इंद्र को लेकर के उन्होंने खीर समुद्र के तट पर गए और भगवान को पुरुष सुक्त मंत्र से भगवान को वंदना करते हैं। भगवान आकाशवाणी की, बोले तुम्हारी दुख में समझ गया हूँ, चिंता मत करो हे देवताओं, जद्दू वंश में जन्म ग्रहण करो, हे देवियां तुमके सब गोपी बन करके आओ, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। इतने में कंस ने, उसने इतना अत्याचार, साधु संतों को जेल में बंद करवा दिया। बोले मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हो, कोई मेरे देश में नाम नहीं कर सकते, ठाकुर का जेल में सबके सब बंद कर दूंगा। सबके सब उसने जेल में बंद कर दिए और जितने साधु संत थे ना, सबके सब जेल में बैठ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सारे संत लोग जेल में बैठ बैठ करके, सबके सब जेल में बैठ करके ठाकुर का कीर्तन कर रहे, हे तारनहार कब आकर के दुष्ट को आप विनाश करोगे। सबके सब ठाकुर को ध्यान कर रहे थे। इतने में कंस ने देवकी वसुदेव को शादी करके बहुत कुछ दहेज रूप में दिया, स्वयं सारथी बन करके विदाई दे रहा था। इतने में रास्ता में आकाशवाणी हुई, बोले रे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। देखा ये देवता का वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने निकाला तलवार म्यान से, चोटी पकड़ करके मारने जा रहा था, लेकिन वसुदेव महाराज देखा ये आकाशवाणी, ये कभी झूठी नहीं हो सकती। देवता का वाणी किसी तरह से देवकी की प्राण रक्षा करनी चाहिए। उसने साम ताम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश किया। बोले देख कंस, शादी का समय, अपना बहन अगर उसको मारो तो दुनिया तुमको क्या बोलेंगे, ऐसे जिंदा मरना बराबर है, ऐसे काम को मत किया कर। बोले आकाशवाणी नहीं सुने? बोले मैंने भी सुनी है। बोले बताओ तुम मरोगी नहीं? आज हो नहीं तो 100 साल के बाद में मरना, जब एक दिन मरोगे फिर ये पाप को बोझ हो क्यों लोगे? तभी वो नहीं सुनता है। जब नहीं सुनता है, बोले देखो तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रतिज्ञा खाता हूँ, जितने बच्चे होंगे सारे बच्चे तेरे को दे दूंगा, सारे बच्चों को मार दे, लेकिन ये देवकी को मत मारा करो। ठाकुर को ये इच्छा है, ठाकुर को जो इच्छा तो वही होगा ना। इतने में उसने उनको छोड़ दिया। सर्वप्रथम उनको बेटा हुआ कीर्तिमान, जब बच्चा हुआ उसने सीता, उन्होंने कंस को दे दिया। कंस का हृदय तो एकदम पिघल गया, बोले काल को हाथ में अपना बेटे को, खुश हो गया, बोले तेरे सत्यवादी का मैं संतुष्ट हूँ, ये बच्चे को तू ले ले, लेकिन अष्टम संतान से मेरा मतलब है। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो रही है। बोले क्या गड़बड़ी हो रही है? भगवान कब आएंगे? जब पाप की घड़ा भर जाए। लेकिन इसकी हृदय में तो दया की भावना आ रही है, ठाकुर जी आने के लिए तो देर करेंगे। इतने में नारद जी बिना बजाते बजाते आ गए, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय। नारद जी उन्होंने एक सुंदर बगीचा में बैठ करके कंस को बुलाया। बोले कंस को बुलाओ। बोले कंस अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, मैंने देखा ये देवता लोग मीटिंग कर रहे थे,
और वो मीटिंग का विषय था तेरे को मारेंगे कैसे। देख उन्होंने एक फूल लेकर के आए थे, कमल फूल, जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले कम से ये बताओ इसमें पहला नंबर कौन, आठवां नंबर कौन। बोले गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले समझ गया। बोले बताओ क्या समझ। बोले गुरु के बगैर तो ज्ञान नहीं होता है। बोले कंस ये देवता का बात समझना बड़ा कठिन, वो तो बोल दिया अष्टम गर्भ में आएंगे, तू तो इधर से 1 2 कर रहे हो, और उल्टा से अगर देवता लोग गिने तो जिसको तुम एकमा कहते हो 8 हो जाएगा। और जब 8 बच्चे जन्म लेकर बड़े होंगे सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले फिर गुरुजी फिर तो सबको मैं मार दूं। बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरे बात जानता। भड़का दिया कंस को। हे नारद जी भागे वहां से। इतने में कंस को क्रोध आया, उसने बोले देवकी बताओ तेरे संतान कहाँ है, पकड़ करके पछाड़ मारे तो बस बच्चों को मार डाले। ऐसे उन्होंने 6 बच्चों को मार डाले। हाँ ध्यान से सुनो, अभी प्रश्न है ये नारद जी से गड़बड़ क्यों किया, 6 बच्चों को क्यों संत होकर क्यों मरवाया। बोले मरवाया नहीं, इनको मुक्ति दिलाया। बोले कैसे। बोले ये पूर्व जन्म में ही ब्रह्मा का मानस पुत्र थे। एक समय ब्रह्मा जी एक सुंदरी लड़की जन्म दी, इतनी सुंदरी बेटी थी, ब्रह्मा अपना बेटी में आसक्त हो गए और अपना बेटी को पीछा उसने किए। फिर बेटी ने हिरणी बन गई, ब्रह्मा जी हिरण बन गए। उसी समय ये जो बच्चे मरीच आदि थे, बोले देखो ये बुढ़ा की गति, ये बूढ़े को देखो अपना बेटी को पीछे भाग रहा है। इतने में ब्रह्मा जी इनको अभिशाप दिए। बोले ओ मेरे को देखकर खिली उड़ा रहे हो, तुमको 3 जन्म तक अपना पिता को हाथ में मरना पड़ेगा, मुक्ति मिलेगी। पहले यही कंस काल में भी थी और उनको बच्चे बन करके ये 6 बच्चे आए थे हैं, ये 6.5 आए। अभी उन्होंने कंस बन करके आए, जितने जल्दी वो मरेंगे ना उतना जल्दी इनकी मुक्ति हो जाएगी। ये एक अर्थ है। हाँ दूसरी अर्थ समझो, ध्यान लगा कर सुनो, ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण ये अष्टम गर्भ में क्यों आए, 6 में नहीं 7 में नहीं। आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा कौन मेरे को बोलता है। इधर ध्यान देकर सुना, इसलिए 6 अष्टम गर्भ में क्यों आए। फिर ये 6 बच्चों को मरवाया किया क्यों, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हृदय में भगवान को बैठना चाहते हो, जगत में हमारा सबसे बड़ा 6 शत्रु है। बोले ये 6 शत्रु कौन है। बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये सबसे बड़े हमारे शत्रु जो अंदर में बैठेंगे। अगर भगवान को बैठना चाहते हो पहले 6 को बच्चों को मारो। फिर सप्तम गर्भ में कौन आए। बोले बड़े देव प्रभु ताऊ भाई आए। हाँ श्री ए बच्ची उसको रख लो ऊंचे, इसलिए उन्होंने कौन आए श्री दाऊ भैया। बोले दाऊ भैया कौन है, कहते ये स्वयं भगवान की सेवक रूप है, जो पंच रस और 6 शरीर से भगवान 10 शरीर से भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को जो धारण करने वाले बड़े प्रभु संधीन, संधीन मतलब आधार, ये पृथ्वी स्वरूप श्री जैसे आनंद देव उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को पर्ण को पर धारण करके रखा। बलदेव प्रभु भगवान को हृदय में धारण करने वाले बलदेव प्रभु जो उनको धारण करते हैं, इसलिए सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु आए और अष्टम गर्भ में कौन आए, कौन आए भगवान कृष्ण। बोले श्री कृष्ण का नैया लाल की, ये एक अर्थ है। कभी इसका दूसरा अर्थ क्या, देखो ये दूसरा अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान को भक्ति करना चाहते हैं उसमें 8 सोपान, 8 स्टेजेस, लेकिन सबसे पहला जो भक्ति का पहला स्टेज किया बोले श्रद्धा। जैसे आप लोगों को अंदर में श्रद्धा भक्ति है तभी तो कथा सुनने के लिए आए ना, अगर श्रद्धा नहीं होता तो आप आते ही नहीं यहाँ पर। इसलिए भक्ति का सबसे पहला सोपान है श्रद्धा। बोले उसको बाद में दूसरा सोपान बोले साधु संग, जब कथा सुनने के लिए आए फिर संतों का संग, फिर ज्ञान की आराधना कर रहे। बोले तीसरा बोले भजन क्रिया, जब फिर हम कथा सुनेंगे जब पता चलेगा भैया ये जीवन दुर्लभ है, ये 84 लाख जन्मों के बाद में मिला, ये जीवन पा करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। फिर तीसरा जो स्टेज है भगवान की भक्ति। बोले तीसरा चौथा स्टेज क्या, बोले अनर्थ निवृत्ति। जब भगवान की हम भक्ति करेंगे हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये धीरे 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 खत्म होगा। बोले ये पंचमा स्टेज क्या, बोले रुचि। रुचि मतलब होता है, ध्यान देकर सुनो,
रुचि मतलब होता है अच्छा लगना। जैसे घर में कोई बढ़िया सब्जी बनी, एक बार खाई बोली बढ़िया बनाई, और थोड़ा दो, उसको कहते रुचि। लेकिन अभी देखना हमारे भजन में रुचि नहीं आती, दूसरे चीज में बड़ी रुचि है, भजन के बाद बोले नहीं भी आती है। लेकिन क्यों बोले, हृदय में पाप बैठा हुआ। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करेंगे सारी गंदी चीज चली जाएगी, फिर ठाकुर का नाम इतनी अच्छी लगेगी, फिर भगवान का नाम हमसे छूटेगा नहीं। इसको कहते रुचि। कहते छठवां स्टेज क्या बोले, रुचि छठवां स्टेज है निष्ठा। निष्ठा मतलब होता है इतने भक्ति में हमारी निष्ठा हो जाएगी, भले ही सारा दुनिया तुम्हारी विरोध हो जाए लेकिन भगवान की भजन नहीं छोड़ेंगे। मीरा का नाम सुने हो, कौन कौन मीरा का नाम सुने हो? उसको उसने जब भजन करने के लिए कही, देखो दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, वो तो भजन कर रही थी, गलत काम तो नहीं कर रही थी। उसको पति विरोध में चला गया, उसको देवर चला गया, उसको ननद, उसकी सास, जीवन हराम कर दिया, गाँव के एक कुत्ता तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ा। बड़ा आश्चर्य थी ये, जगत में कोई शराब पीता है ना, गंजा भुगता है, गंजड़ी बनकर घूम रहा है, कोई जुआ खेलता है, दुनिया को कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन थोड़ा गले में कंठी माला तिलक लगा तो साधु बन गई, बाबा जी माता जी बन गई हो है। लोग सब उल्टा पुलटा बोलना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा कोई भजन करे ना, शराब पिए तो बोलेगा नहीं तू इसी उम्र में क्यों शराब पीते हो, लेकिन भजन करना शुरू कर दे बोले ये कोई तेरा उम्र है, अभी से भजन करना शुरू कर दिया, अभी से गला में कंठी माला तिलक दिया है। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को कहते हैं भक्ति 5 साल से करनी चाहिए, कौमार आचरते प्राज्ञम, 5 साल उम्र से भजन करो। बोले क्यों, बड़े होकर करेंगे? बोले कोई गारंटी काट तेरे पास में, देखा कोरोना में कितने लोग मर गए। बोले अगले जीवन में, बोले दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ठाकुर जी बारंबार ये जीवन नहीं देंगे, ये तो 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ठाकुर जी दिए। इसलिए कल कर सो आज करो, और आज कर सो अब, इसलिए पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब। इसलिए कहते ये जो छठवां जो है, ये क्या है छठवां, छठवां निष्ठा। निष्ठा मतलब है, ध्यान देकर सुना, ऐसे भक्ति में पक्के बनो भले ही दुनिया कुछ बोल दे, दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भजन नहीं छूटनी चाहिए, भगवान की भजन नहीं छूटनी चाहिए, इसको कहते हैं निष्ठा। कहते छठम सतमा स्टेज किया बोले आसक्ति व भाव, बोले भावावस्था में क्या, जब ये स्थिति आ जाएगी आप देखोगे कभी कभी कन्हैया की मीठी मीठी बंसुरी सुनने को मिलेगी, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर आकर स्पर्श किए रोंगट खड़े हो जाएंगे, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी आए और अपना आधा मृत पिला करके चले गए, होठ को चाटना शुरू कर दोगे, कभी कभी लगेगी ठाकुर जी की चरण की नुपुर की झटकार सुनने को मिलेगी है। ये सब भाव, और जो प्रेम जो अष्टम स्टेज है, अगर प्रेम आ गया ना साक्षात गोलोक वृंदावन से बांके बिहारी सामने तुम्हारी प्रकट हो जाएंगे, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान अष्टम गर्भ में ठाकुर जी आए, एक दिन उन्होंने देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिए, दोनों जेल में बैठी बैठी करके ठाकुर का कीर्तन कर रहे थे। इतने में भगवान जब देवकी वसुदेव महाराज का हृदय में प्रकट होकर के देव के हृदय में प्रकट हुए, एक दिन कंस आकर के देखा क्या ज्योति क्या प्रकाश, समझ गए मेरे काल आ गया। 3 रात वो काले को याद करते हैं, स्वप्न उठते बैठते, अभी सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के उनकी गर्भ स्तुति कर रहे हैं। बोले सत्य प्रथम सत्य परमति सत्य सत्य सजोनी च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वम शरणम प्रपद्ये। 33 करोड़ देवता भगवान को गर्भ स्तुति कर रहे थे। इसलिए अभी ठाकुर जी जन्म होने वाले हैं। देखो जगत में साधारण अगर कोई यहाँ पर मोदी आ जाए ना, आप देखना उनके लिए कितना स्तुति, क्या स्वागत, क्या क्या करते हैं। आज स्वयं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का पालनहार भगवान स्वयं कृष्ण आ रहे हैं, तो उनके लिए कितने स्वागत नहीं होगी। इसलिए बोले अतः सर्वगुण पेत काल परम शोभन। इसलिए ठाकुर जी सेवा के लिए सब विश्व ब्रह्मांड एक साथ में 6 ऋतु आ गए, और ये जो पृथ्वी इतने प्रसन्न हो गई, ये पृथ्वी की आनंद की सीमा नहीं रही। बोले क्यों पृथ्वी क्यों खुश हो रही थी, बोले कारण है, बोले सत्य युग में भगवान बराह देव
अपना मेरे को अपना पत्नी बनाई थी पत्नी। और त्रेता युग में माँ सीता की कहाँ से जन्म हुई? पृथ्वी से। भगवान राम से शादी हुई, इसलिए ठाकुर जी हमें अपना सासुरी बनाई, हमें अपना सास बनाई है। अभी द्वापर युग में कृष्णा जब आएंगे यही पृथ्वी सत्यभामा बन करके आएगी, इसलिए मेरे को पटनानी बनाएगी। और भगवान खाली चरण में वृंदावन में भ्रमण करेंगे, उनके चरण पा करके मेरी धन्य धन्य होगी, इसलिए वृंदावन धाम दुल्हन जैसे सज गई। और यमुना नदी की थी आनंद की तो सीमा नहीं, कलकल कलकल नाद करते हुए माँ यमुना प्रवाहित हो रही है। और भगवान कृष्ण की जयकार दे करके बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और बोले मेरे को ठाकुर जी अपना पटरानी बनाएंगे, जल विहार करेंगे। और जितना नदी थी ना वो भी खुश हो रहे थे, बोले नदी क्यों खुश हो रहे थे? बोले सबसे जो बड़ी बहनी है यमुना, और जितने नदी उनकी छोटी बहन, अगर कृष्ण बड़ी बहनी से शादी हो गई तो छोटी बहन उनको क्या लगेगी? बोलो क्या लगेंगे? कोई नहीं बोल रहा, क्या लगेंगे? आप देखना कभी कभी दामाद अपना बड़ी अपना पत्नी से ज्यादा अपना सालियों को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए कहते जब हम ठाकुर को साली बनेंगे ठाकुर हमें भी बड़ा प्रेम करेंगे। इसलिए दूसरे नदियां भी खुश हो रही थी, ये कमल फूल खिलता है रातीत में, लेकिन आज कमल फूल रात में खिल गया। बोले क्यों रात में क्यों खिले? बोले संत जब भगवान को साथ में उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्र। भगवान के शक्ति को हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, सब कमल कमल के साथ में उदाहरण देंगे, इसलिए कमल फूल रात में भी खिल गया। कृष्णा जब जन्म हुए भादो की महीना अष्टमी रात बुधवार का दिन, वो चंद्रमा आधा होता है, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा रूप में प्रकट हो जाते। क्यों? बोले आज मेरे वंश में ही ठाकुर जी जन्म ले रहे, बड़े खुश हो रहे थे चंद्रमा। बोले चंद्रमा और खुश होने का और क्या कारण है? बोले कारण है भगवान राम जब आए ना ठाकुर जी सूर्य वंश में आए, और गोस्वामी जी कहते एक महीना तक उत्सव चली अयोध्या में, सारे अयोध्या नाच रहे थे गा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति कोड़े में बैठ कर रो रहा था। बोले कौन? बोले चंद्रमा। भगवान राम बोले चंद्रमा मेरे जन्म उत्सव में सब नाच गा रहे, तू भी नाच गा। बोले कैसे प्रभु? देखो ये सूरज भगवान सूर्य वंश में आए ना, दोपहर में एक महीना तक सूरज एक जगह पर टिकी रहा, कहीं गई नहीं। बोले देखो ये सूरज कहाँ पर है, वो हट नहीं रहा है। सूरज जाएगा तभी तो फिर चंद्रमा आएगा ना, इसलिए प्रभु मैं तो वंचित हो गया तेरे आनंद से। इसलिए भगवान बोले कोई चिंता मत करो, अगली बार तेरे वंश में आ जाएंगे। बोले पता नहीं कब आएगा द्वापर, कब आओगी, अभी तो वंचित हो गया। बोले चिंता मत करो, मेरा नाम तो होगा राम, लेकिन मेरे साथ में तेरे नाम को जोड़ दूंगा, सारा दुनिया मेरे को रामचंद्र बोल करके बोलेंगे। खुश हुए ना? बोले प्रभु मैं खुश हूँ। अभी ठाकुर जी चंद्रवंश में, जब चंद्रवंश में आए पूरा पूर्ण चंद्र प्रकट हो गए। आप देखना जब चंद्रमा प्रकट होता है ना, उसी समय आकाश में मेघ छाया हुआ था, मेघ नीचे होता है और चंद्रमा उच्च में होते हैं। अभी तो चंद्रमा और सूरज में तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। इतने में चंद्रमा बोले ए मेघ, ये बच्चों को क्यों सामने लाते हो? ये माताओं को ना चैन नहीं पड़ती, थोड़ी समय इनकी चैन नहीं पड़ती, इसलिए जिनको ज्यादा प्यास लगती ना कल से पीछे बैठना, आगे नहीं। इसलिए उन्होंने चंद्र सूर्य में लड़ाई होना शुरू हो गई। चंद्रमा कहते मेघ हट जा मेरे सामने। बोले क्यों हटूंगा? बोले तेरे को पता नहीं ठाकुर जी मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ बोले तेरे को पता नहीं भगवान किसकी रंग लेकर के आ रहे हैं, किसकी कलर लेकर के? मेरे रंग को लेकर के आ रहे हैं। बोले अरे तेरे रंग तो लेंगे, लेकिन किसका वंश में आएंगे? मेरे वंश में आ रहे हैं। देवता बोले भैया ये लड़ाई करने का थोड़ी समय है, अभी तो आनंद लेने का समय है, तू भी हट जा, चंद्रमा को भी आनंद लेने दो और तुम भी दोनों आनंद लो। इतने में विशेष करके आकाश में जब काला मेघ छा जाए ना, वो चार ही व्यक्ति खुश होते हैं। बोले पहला कौन? बोले खुश होता है ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा क्यों? कहते खुश होता है किसान, क्यों? उसने खेती बोए, अगर बारिश नहीं होगा तो खेती खत्म हो जाएगी। बोले यहाँ पर कौन कौन किसान? बोले ब्रह्मा, उनने जगत को तो सृष्टि किया, लेकिन दैत्य लोग आकर के दुनिया में बड़े उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण को दर्शन किए, बोले कोई चिंता नहीं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, ठाकुर जी सारे दुष्ट को विनाश करेंगे। ब्रह्मा खुश हो रहे थे,
दूसरा व्यक्ति संतुष्ट होता है मोर, मयूर भी खुश होता है, मयूर का भी नृत्य करता है। देखना जब आकाश में मेघ छा जाए पंख खोल करके नृत्य करता है मोर कौन, भोले बाबा। तीसरा व्यक्ति खुश होता है बोले कौन, बोले चातर। ये एक चिड़िया है वो किसी नदी का पानी नहीं पीता है, स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है, इसलिए यहाँ कौन, बोले नारद आदि भक्त वृंद। चौथा व्यक्ति संतुष्ट होता है दाबा नल में दग्ध हाथी, जब जंगल में आग लग जाए ना हाथी बड़े दुखी होते हैं, लेकिन जब बारिश ही हो ना तभी शांत होता है। ये देवता लोग सारा दुनिया जय जयकार कर रहा था, भगवान ठीक रात 12 बजे उन्होंने देवकी वसुदेव के कारागार में प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी देवकी बोली प्रभु वसुदेव आपको तो पुत्र रूप में कामना किया था, आप तो 16 साल के घूम डाली केस चमकले चमकले वस्त्र। बोले पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए आए, पूर्व जन्म में कृष्ण सुतपा थे कठोर साधने क्या पत्ते खा करके, जब मैंने कहा बरमागो तुम बोले मेरे जैसे पुत्र होना, अभी मैं छोटा बच्चा हो जाऊंगा, मेरे को गोकुल में रख कर वहां से बेटी ले आना। बोले कैसे जाऊँ हथकड़ी बड़ी बड़ी हुई है। बोले चिंता मत करो कि बोले मेरे को अपना सर पर रख लो सब सही हो जाएगा। देखो ठाकुर जी यहाँ शिक्षा देते हैं, माताएं ये शिक्षा को लेकर के जाओ घर में, जब कोई काम हो ना भगवान को आगे रखो। जैसे सर में रखते क्या हुआ, हथकड़ी बड़ी खुल गई, दरजा खुल गया, ताला टूट गई, पहरादार सो गए। अगर कोई काम को ठाकुर को लेकर करे आगे रख करके ना, कत करते हैं तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। ठाकुर को आगे लेकर रखो कैसे, जैसे बच्चे का बर्थडे करते हो, लेकिन बच्चे के लिए तो 10-20 जोड़ी कोई कपड़ा देते हैं, ठाकुर एक जोड़ी में बैठे हुए 10-15-20 दिन से। ठाकुर दिन में खुद 3 बार कपड़ा बदलाते हैं, ठाकुर 15-10 दिन से एक कपड़ा बदले हुए, जिसने दिया उसके लिए कुछ नहीं। सारे यार दोस्तों बुलाएंगे, पता नहीं कितना बोतलें तुड़वाएंगे और कितना मुर्गा खिलाएंगे, लेकिन जिसने तुमने सब कुछ दिया उचित क्या बैठा नहीं। अपना बेटे को कहिए देखने से पहले ठाकुर के लिए देखो, बोले ठाकुर का तो बहुत जोड़ी कपड़ा है, बोले तेरे बेटे की कितना, तेरे कितना साड़ी का कपड़ा देख लो है, देख लो कितना रखे हुए। पहले ठाकुर को देखो, शास्त्र में बताया भगवान को जब कोई एक वस्त्र पहनाते हैं उसमें जो एक धागा होता है ना, जितने उसमें धागा है उतना कल्प तक वैकुंठ वास होगा तुम्हारी, जो भगवान को एक वस्त्र चढ़ा दे इतने महिमा। भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने साड़ी को फाड़ करके बैंडेज कर दी, ठाकुर जी सोच रहे कब मेरे बहु का है, कब इसका रिगी चुकाओ। जब भरी सभा में लाज जा रही थी, 5-5 पति जिनकी इतने बलवान, लेकिन कोई काम में आए, कोई काम में नहीं आएगी तुम्हारी, हर काम में आए तो वही बंसरी वाले काम में आए, केवल वही बंसरी वाले काम में आए। जब उनको बुलाया उन्होंने वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। इसलिए दुनिया को खिलाने से पहले देखो ठाकुर के लिए कुछ भोग के लिए है कि नहीं, घर में ऐसे चीजें बनाया करो जो ठाकुर को भोग लग सके। देखो अब बुरा मत मानो, ये संतों का कहना है, जिस बच्चे का बर्थडे में बात तुम्हारी शादी की साली ग्रह साल ग्रह में अगर इतना बोतल तुड़वाओगे, बोतल तुड़वाना है ना शराब पिलाना, अगर ये इतना मांस मुर्गा को खिलाओगे बकरी को, ये संत कहते थे जिसकी उद्देश्य में तुम इतने पाप करोगे वो बच्चा का अगर 100 साल होगा ना उसी दिन वो 50 साल में उतर कर आ जाएगा, क्योंकि जिस बच्चे के उद्देश्य में तुम इतने पाप कर्म कर रहे हो, ये संतों का कहना मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए क्या करो उनको उद्देश्य में हरि कीर्तन कराओ, हरि कथा कराओ, संतों को बुलाओ, आशीर्वाद दिलाओ, पाप कर्म खबरदार मत मत क्या करो, शास्त्र में मना करते हैं। इसलिए क्या करो हरि कीर्तन पहले ठाकुर को भोग लगाओ, बढ़िया ऐसे खाना बनाओ जो ठाकुर को सेवा में लग सके, ऐसे खाना मत बनाओ जो ठाकुर को सेवा में नहीं लग सकता है। ठीक है, इतना कम से कम कथा से लेकर के जाओ। इसलिए जब भगवान को सर पर धरे सारे दरवाजा खुल गई, पहरादार सो गई जा रहे हैं, भगवान अनंत देव छत्री रूप में धारण किए हुए सामने यमुना आई तो सोच रही है मैं भी ठाकुर का चरण स्पर्श करूं। ठाकुर जी नीचे चरण बढ़ाए, यमुना भी ठाकुर जी को चरण स्पर्श किए, अपना जीवन धन्य हो गया और उन्होंने लेकर के गोकुल में रखे और वहां से बेटी को ले आए। देखो आज तो हमने कृष्ण कथा सुनी, कल आज जो कथा सुने हमने मथुरा की कथा सुनी, लेकिन कल जो कथा सुनेंगे ना गोकुल की कथा सुनेंगे, बहुत अच्छी कथा। इसलिए कल जल्दी जल्दी आना, आज तक कृष्ण जन्म हुए कौन सा रंग का साड़ी पहन करके आए हो, पीला तुम्हारा तो लाल दिख रहे, इसलिए हाँ इसलिए देखो कल श्री राधा रानी किशोरी जन्म लेगी।
इसलिए आज तक पीले कपड़े पहने हो, कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन कर क्या, गुलाबी जो रंग है ना वो प्रेम का रंग है, और जो राधा रानी ये कौन है, प्रेम का रूप राधा रानी है, इसलिए राधा रानी का चुंदरी गुलाबी रंग, गुलाब मतलब होली खेलते है ना जो गुलाल, ये प्रेम नाला का जन्म किस प्रकार आनंद ले रहे हैं यशोदा मैया के आओ Bye.
Yeah.